दोस्तों यह है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी की अर्टिगा VXi स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल। सबसे सस्ते में सबसे ज़्यादा फीचर्स देने वाली 7 सीटर की कार है भाई। किसी भी कंपनी की 7 सीटर की कार इतने अच्छे फीचर्स में नहीं मिलने वाली है जितना मारुति सुजुकी की अर्टिगा में मिलता है। और ये VXi वेरियंट है भाई, लेकिन एक चीज़ है कि ये फॉग लैंप देख के ना कोई कन्फ्यूज़न मत होना कि भाई ये ZXi है, क्योंकि ये है ZXi अर्टिगा ZXi ये वाली है। इसमें देखो एलॉय मिलेगी और आगे फॉग लैंप क्रोम एक्सेसरीज पूरी लगी हुई। ये है ZXi वेरिएंट, ये है VXi। अब इसकी पहचान यहाँ पर देख सकते हैं, व्हील कवर है, स्टील व्हील इसमें मिलती है, ठीक है। और इसमें ZXi में एलॉय मिलती है, ये देखिए आप, ये LXi जो है ZXi है, ये ZXi है, ठीक है। ये टॉप मॉडल है अर्टिगा, टॉप मॉडल 2024, और ये अर्टिगा बेस मॉडल 2024। बेस से सेकंड टॉप है ये, क्योंकि ये है VXi। आप सामने देखेंगे तो इसमें आपको चारों स्टील व्हील मिलेगी 15 इंच की व्हील कवर के साथ। इसमें आपका प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, साइड में आपको मिलता है बल्ब, दोनों ऑप्शन इसमें मिलेंगे। और हेडलाइट आप देख सकते हैं एक नंबर का मिलेगा, वो चाहे आप VXi लीजिए चाहे आप ZXi लीजिए, लाइट दोनों गाड़ियों के सेम होती है। ये ऐसा सीरीज का पार्ट है, यानी कि इसमें कंपनी ने शोरूम पे ये लगाया गया है, ठीक है। और बाकी साइड बम्पर, यहाँ पर बम्पर गार्ड भी लगा गया है, ये ऐसा सीरीज में आता है, फॉग लैंप कंपनी से लगाया गया है। और सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एस की बैजिंग है, क्रोम आपको पूरा मिल जाता है ग्रिल पर, बाकी पियानो ब्लैक फिनिशिंग रहेगा इसमें, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा। और आप आगे की जो ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिशिंग रहेगी, ठीक है। ये आपका स्किट रहेगा, यानी कि बम्पर आगे बहुत ही न्यू शेप में मिलती है। देखो आप बम्पर न्यू शेप में दिया गया है, यहाँ पर फॉग लैंप लगाया गया है कंपनी से, बम्पर गार्ड लगाया गया है। और ये साइड से आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी इस तरह से दिखने वाली है, ये देखिए पूरा लुक, ठीक है। अब सबसे कम प्राइस में सबसे सस्ती वाली, और उसके बाद यहाँ पर दो वाइपर, दो वाशर मिलेगा, आगे का ग्लास इस तरह से रहेगा, एंटीना इस तरह से रहेगा, चाहे बेस लो चाहे तो टॉप लो, सबका वैसा रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर ORVM आप देख सकते हैं, देखिए अर्टिगा VXi वर्सेस ZXi भी इसमें हो जा रहा है, यानी कंपेरिजन भी हो जा रहा है। ORVM आपको दोनों गाड़ियों का सेम रहेगा, और साइड मोल्डिंग पट्टा भी यहाँ पर मिलेगा, डोर का यहाँ पर एक्सेसरीज में लगा दिया गया है। स्टील व्हील आप देख रहे हैं, आगे दो डिस्क ब्रेक रहेगा, पीछे दो ड्रम रहेगा, 15 इंच की इसके अंदर व्हील मिलेगी। एंटी फ्रिक्शन बूस्ट पर सस्पेंशन है, मड फ्लैप भी लगा गया है। और उसके बाद यहाँ पर अब आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, डोर आप देख लो। सबसे पहले आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, सबसे ज़बरदस्त चीज़ यही चीज़ जो लोग ज़्यादा देखते हैं, ये देखो आप दोनों का रियर प्रोफाइल आप देख लो, फिर आपको लग जाएगा कि कौन सी ये बेस और टॉप मॉडल है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये देखो आप, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर आपका स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बाकी डिफोगर, वाइपर, वाशर ये सब नहीं मिलेगा, सादी रहेगी ना। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये देखो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ यहाँ पर ये वाशर, ये आपका डिफोगर और ये वाइपर सब मिल जाएगा। ये CNG भी है यहाँ पर, ये देख लो आप, बाकी अर्टिगा लिखा मिल जाएगा ये। और बाकी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम रहेंगी। ये आप देखते हैं, ये देखो आप इसका ब्रेक लाइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है, ये पूरा इस तरह से रहेगा। यहाँ पर इसकी बेजिंग अर्टिगा, ये स्मार्ट हाइब्रिड है, ये देखो आप पूरा यहाँ पर आपका इस तरह से मिल जाएगा, देख रहे हो इंडिकेटर पीछे, और ये बम्पर गार्ड, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर, ये दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका सीन इस तरह से आएगा, और इसका इस तरह से आएगा। ये भाई टॉप मॉडल है, ZXi प्लस टॉप मॉडल, ठीक है, ZXi प्लस टॉप मॉडल है। अब बूट स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बूट स्पेस यहाँ पर हम ऑन करते हैं, उससे पहले एक काम करते हैं कि गाड़ी का लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लाइट ऑफ कर दिया, और उसके बाद इंटीरियर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख लो इसका बूट स्पेस इस तरह से मिलेगा, ये देखो आप बूट स्पेस, ठीक है। बूट स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर इतना स्पेस मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पर स्पेस इतना, यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाएगा, ये पूरा आप देख सकते हैं गाड़ी का। और ये सीट ना जब फोल्ड कर देंगे तो और भी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। आप इंटीरियर देख सकते हैं, रूफ में आपको AC मिल जाता है इधर भी और उधर भी। और ये देखो आप पूरा हेडरेस, पीछे वालों के लिए 2 हेडरेस यहाँ पर दिया गया है, और सीट बेल्ट के साथ यहाँ पर आपको मिलेगी। 7 सीटर कार है ये, ठीक है, 7 सीटर गाड़ी है भाई, पहले आपको बता देता हूँ 7 सीटर है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि अगर टॉप मॉडल आप लेते हैं तो टॉप मॉडल में भी आपको ये लॉक है, नहीं तो उतना ही स्पेस मिलेगा उसमें भी, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहेगा, तो स्पेस आपको बढ़िया मिल जाता है। अब अगर आप देखेंगे सेकंड रो में इतना स्पेस मिलेगा, सबसे पहले आप डोर देख लिए, 4 स्पीकर आपको मिल जाता है इसमें, ये देखिए स्पीकर, बोटर रखने के बाद इतना आपको स्पेस मिलेगा। यहाँ पर हैंडल, 4 पावर विंडो, डोअर लीवर, और ये देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से आने वाला है सीन ये। और आप देखो ये सीट कवर लगाई गई है, ये
कंपनी से, यानी कि शोरूम में ही लगाई गई है। रूफ में एसी देखो आप, रीडिंग लाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो ये थर्ड रो है, दो लोग बैठ सकते हैं और उसके बाद इसमें आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो बोतल का होल्डर वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए आप हेडरेस्ट के साथ, वो भी एकदम ज़बरदस्त सीट। यहाँ पर सीट कवर लगाई गई है, हेडरेस्ट यहाँ पर, आर्मरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, देख रहे हो, एकदम ज़बरदस्त वीआईपी फीलिंग आएगी आपको। और स्पेस आप देखो, ये देखो बीच में जगह देखो, देख रहे हो एकदम ज़बरदस्त जगह मिलती है। वहाँ पर भी आपको स्पीकर मिल जाएगा, ये देखो आप इसका डोर, ये देखिए इस तरह से रहेगा। इंटीरियर देखो आप, सामने का सीन ये देखो आप, यहाँ पर ये पूरा देख रहे हो, एकदम ज़बरदस्त भाई लुक आएगा इस गाड़ी का। और सेवन सीटर में सबसे कम भाव में सबसे बढ़िया गाड़ी आपको मिलने वाली है ये। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ देखो, चारों पावर विंडो और यहाँ पर लॉक अनलॉक ये पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा स्पीकर, बोटर रखने की जगह, पूरा देखो आप डोर। और ये जो डोर है ना, ये डुअल टोन में है, ये अलग कलर, ये अलग कलर में रहेगा, इस तरह से मस्त लग रही है। यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट वगैरह, डिफोगर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, क्लच ब्रेक एक्सेलेटर यहाँ पर ऑप्शन है, फ्यूल यहाँ से खुलेगा नहीं, फ्यूल का कैप। और यहाँ पर एसी वेंट आप देख सकते हैं, ये पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग रहेगा, ये आपका थोड़ा सा क्रोम दिया गया है। चाबी यहाँ पर लगेगी और उसके बाद यहाँ पर ये हैजर्ड स्विच है, इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो ये रहेगा इसका इंडिकेटर। और यहाँ पर आपका इस तरह से कंसोल मिलता है, बीच में एमआईडी दी गई है, बाकी एनालॉग रहेगा। यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर बताएगा, यहाँ पर आपका फ्यूल दिखाएगा और यहाँ पर देखिए स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ पर लिखा गया है, ये पूरा इस तरह से आएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इसमें देखेंगे तो VXI वेरियंट में आपको स्टेयरिंग पे म्यूजिक कंट्रोल और कॉल को जो है एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका स्टेयरिंग कवर भी लगाया गया है, इस तरह से आपको मिलेगा डी कट में स्टेयरिंग। ये देखो इंटीरियर इसका। अब इस गाड़ी में बहुत सारे एडवांस फीचर भी हैं जो आपको मिलने वाले हैं। सीट हो गई आपकी देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये देखिए फाइव सीटर यानी फाइव गियर, ये अब गियर लेवर देखेंगे ना तो इसमें देखो ये क्रोम आपको मिल जाता है, तो पांच गियर रहेगा, 1500 सीसी। अभी आपको इंजन का डिटेल देता हूँ, उससे पहले आप देखो तो ये जो चीज़ देख रहे हो आप, यहाँ पर जब एसी ऑन कर दोगे ना तो इसमें ये भी ठंडा रखेगा। देखो ऐसा कर दो ना तो इस तरह से ये भी आपको ठंडा रखे, इसमें कोई चीज़ अगर आप पानी है कोई भी चीज़ रख देंगे ना तो इसमें भी एसी चलेगा, ठंडा रखेगा। यहाँ पर देखो ऑक्स USB 12 वोल्ट सॉकेट, और उसके बाद एसी हीटर ये सब आपका मिलेगा, हैजर्ड या म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर इस तरह से है। और ये आप देखते हैं एसी वगैरह यहाँ पर पूरा, ग्लोव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, और सेकंड जो है यानी कि को ड्राइवर के साइड किस देखो आप, सीट कवर देखो आप, देख रहे हो एकदम लग्जरी प्रीमियम फीलिंग। ऊपर भी आपको रूफ में भी एसी यहां पर मिल जा रही है, ये देखो आप रीडिंग लाइट, सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल जाता है, यहां पे भी दिया गया है। IR भी हम आप देख सकते हैं, ये हैंडल आपका दिया गया है, वहाँ पर हैंडल यानी पाँच हैंडल आपको मिलता है। खाली बस एक कमी है, यानी कि आर्म रेस्ट की कमी है आगे वाली, बस बाकी सब एक नंबर का सीन देगी। ये देखो पूरी गाड़ी ज़बरदस्त भाई, कैसा लगा इसका इंटीरियर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कुछ अगर आपके मन में सवाल है कि हाँ ये चीज़ कंपनी दे देती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी हमारे ख्याल से तो गाड़ी का जो इंटीरियर है बहुत ही प्यारा है, और आपकी राय हम कमेंट्स में ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर बताना। अब ये ड्राइवर के साइड का डोर है, ये देखिए ये भी एक नंबर का है, सब चीज़ आपको इसमें भी मिल जाता है जो आपको मिलेगा, बस खाली कंट्रोल यहाँ पर नहीं। ये रहा ग्लोव बॉक्स इसका, यहाँ का एसी आप एसी वेंट आप देखते हैं पूरा, ये ब्लैक रहेगा, एयरबैग आपको दो मिलेंगे, ठीक है, ये पूरा रहेगा इस तरह से। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस गाड़ी का वेरियंट कितना आता है, प्राइस आपको बेस वेरियंट और ये मॉडल आपको कितने का पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बेस वेरियंट की बताऊँ तो 972,000 रुपये में सबसे बेस वेरियंट है, 972,000। और अगर आप इससे ऊंचा मॉडल लेंगे VXI CNG वाला तो 12,13,000 में पड़ेगा, और अगर आप LXI CNG लेंगे तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये आपका VXI ही लेना ज़रूरी है, क्योंकि LXI क्या वो थोड़ा सा लो हो जाता है, उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें एसेसरीज भी लगी है, एसेसरीज जो आती है वो 24,000 रुपये की आती है, तो एसेसरीज अगर आप नहीं लें तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी 10,72,000 रुपये में, मात्र 10,72,000 रुपये में ये कार आपको मिलेगी, वो भी सेवन सीटर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। और ZXI प्लस या अर्टिगा ZXI लगभग आपको 13 लाख रुपये में ऑन रोड पड़ेगी। वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।